भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी का युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एनेक्सी भवन के सभागार में भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कहा कि पहले की सरकारों में पाकिस्तान व चीन की तरफ से हमारे सैनिकों पर गोलीबारी की जाती थी और हमारे प्रधानमंत्री मौन रहते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सशक्त सरकार बनी है तो विरोधी एक गोली चलाते हैं तो हमारे जवान उन पर 100 गोले बरसाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश पूरे विश्व पटल पर आज सर्वोच्च स्थान पर खड़ा है। उन्होंने कहा, इन 7 महीनों में युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता के साथ कंधा मिलाकर 2022 में प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा, इस बार के चुनाव में भाजपा युवाओं के दम पर 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव महज एक चुनाव ही नहीं बल्कि एक धर्म युद्ध होगा, जिसमें युवा एकजुट होकर दोबारा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक सरकार बनाएंगे। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत राय, क्षेत्रीय मंत्री मुकेश सिंह, विद्यामणि सिंह, हिमांशु श्रीवास्तव, सूर्याश शाही, सुशील प्रजापति, सुमित राय, अखिल देव, दिलीप मिश्रा, विवेकानंद सिंह, अंबिकेश सूरज राय, रंजीत सिंह, श्रीनेत, रिंकी चंद, हिमांशु राय, सत्यजीत सिंह, अमित राम त्रिपाठी, अमित नारायण मल, आलोक रंजन, ओंकारेश्वर सहित युवा मोर्चा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। Bye.
स्थानों पर खड़े होकर आदरणीय अध्यक्ष जी का हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का धर्म बनता है कि आदरणीय महाराज जी के साथ पूज्य महाराज जी के साथ खड़े हैं और जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने हमें नारा दिया है नौजवानों के साथ 350 पर आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र में 62 विधानसभाएं हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे क्षेत्र को आपने 6 प्रदेश के पदाधिकारी दिए हैं और आगे भविष्य में जो भी अभियान कार्यक्रम आप हमें देंगे उसमें पूरा गोरखपुर क्षेत्र सदैव एक नंबर पे रहेगा। तो जब भी गोरखपुर की क्षेत्र की रिपोर्टिंग होती थी तो मैं निश्चित रहता था कि मेरे बड़े भाई रंजीत राय बड़े बैठे हैं तो एक नंबर पे रहेगा ही रहेगा। स्मरण करते हैं हम लोगों का अपनी प्रयास ऐसा हो कि इस युवा मोर्चा के टीम को भी लोग भरसो याद करें आने वाले समय में। आने वाले समय में इस युवा मोर्चा के कार्यकाल को लोग स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में आगे देखने वाले हैं। इसका श्रेय किसी को जाएगा तो आपको जाएगा। अध्यक्ष जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने एक नारा दिया था अब की बात 350 पर आप लोग सोशल मीडिया में आजकल देख रहे होंगे एक श्लोक चल रहा है एक नारा चल रहा है उत्तर प्रदेश की एक बार फिर बीजेपी फिर महाराज उत्तर प्रदेश की एक बार फिर बीजेपी फिर महाराज। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं इस नारे को अगर चरितार्थ करने का काम कोई करेगा तो प्रांतु दत्त द्विवेदी और प्रांतु दत्त द्विवेदी के नेतृत्व में काम करने वाले उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान इस नारे को चरितार्थ करने का काम करेगा। बंधुओं मैं आज अध्यक्ष के आभार मेरे पास शब्द नहीं है। अध्यक्ष जी जिस दिन मैं आपके टीम में जिस दिन मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया उपाध्यक्ष बनने से 2-3 घंटा पहले स्वागत किया कुछ किसी और विषय को लेकर माननीय अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई थी। अध्यक्ष जी ने बात हुई थी हमारी कुछ हमारी बात अधूरी रह गई। मैंने सोचा कि मैं लखनऊ चलता हूं और आदरणीय अध्यक्ष जी से अपनी बात को विस्तार पूर्वक रखूंगा। भाइयों बहनों जब मैं लखनऊ के लिए निकला तो हमारे साथी रितेश सिंह और विद्यामणि सिंह हमारे संपर्क में थे। जब मैं लखनऊ के लिए निकला अयोध्या के आगे ही पहुंचा था एक हमारे छोटे भाई विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है उनका फोन आया उन्होंने कहा भैया बधाई हो इस बात की बधाई है। उन्होंने कहा आप प्रदेश उपाध्यक्ष बन गए। आप मानेंगे नहीं मैं 100 किलोमीटर दूर से गोरखपुर में 100 किलोमीटर दूर से मैं गोरखपुर पढ़ने आया था। कभी सोचा नहीं था कि गोरखपुर से मुझे इतना सम्मान मिलेगा गोरखपुर के लोग इतना मुझे स्नेह करेंगे। इस गोरखपुर ने मुझे पहचान दी इस गोरखपुर ने मुझे नाम दे और इस नाम को चार चांद लगाने का काम किसी ने किया तो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया। अंतिम गहराइयों से आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस समुद्र रूपी समय में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक समय वो भी देखा है जब एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी बहुत कम सीटें रहती थी और विरोधी दल की सरकारें हावी रहती थी। 2014 से पहले की स्थिति हम जानते हैं कि क्या स्थिति थी देश की। आतंकवाद हावी था पाकिस्तान के उग्रवादी आतंकवादी हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे और हमारी सेना के हाथ बने रहते थे। हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका की ओर देखता था और हमारे सैनिक कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन जब से आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है तब से आज पाकिस्तान अगर एक गोली चलाता है हमारी सेना थरथराते हुए 100 गोली चलाती है और उसके नाम पर
मैं माफी चाहता हूँ, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जी भी है, उनका नाम ले रहा मैं भूल गया। अच्छा अभी आए साथियों, इसके अलावा जब हमारी सरकार नहीं थी तो चीन जो है हर साल 2-3 किलोमीटर पहाड़ों के रास्ते हमारी धरती पर कब्जा कर रहा था। पूर्व की सरकार कहती थी कि चीन हमसे कई गुना शक्तिशाली है, इससे लड़ाई लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। सैनिकों के हाथ बंधे थे, लेकिन जैसे ही आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत दी, इस साल रातों रात कई किलोमीटर चीन के अंदर जाकर तिरंगा लहराने का हमारे सैनिकों ने कर दिया। ये भी आपके वोट की बात है। साथियों, 370 का विषय याद करें, जाने कितने लंबे समय से हम धारा 370 की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे कितने नेताओं ने अपनी जान की बलि दी, लेकिन 370 का जब भी विषय आता था तो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर 370 हटाओगे तो कश्मीर सहित पूरे देश में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन आपने देखा कि जब 2019 में दोबारा आपने पूर्ण बहुमत की लोकसभा और राज्यसभा में सरकार कर दी, एक झटके में चुटकी बजाकर आदरणीय अमित शाह जी ने 370 को हटा दिया, पूरे देश में नई खून की नदियां शुरू होगी। ये भी हमारी सरकार ने किया। साथियों, राम मंदिर का विषय, कितनी सदियों से हम लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी, लड़ाई लड़ी, राम मंदिर पर फैसला नहीं हो रहा था। यहाँ पर लोग कहते थे कि भाजपा राम मंदिर पर निर्णय नहीं होने देना चाहती है, और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल कहते थे कि अगर राम मंदिर पर निर्णय सुना देंगे तो देश में दंगे होंगे, भाजपा को फायदा होगा। आपने प्रदेश और देश में हमारी सरकार बनाई, राम मंदिर पर निर्णय भी हो गया और भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है। बड़े बड़े अपराधी हैं जो दूसरे प्रदेशों में थे, उनको उठा के वापस उनका प्रदेश में लाने का योगी जी ने किया, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता था। साथियों, अभी पिछले कुछ दिन से, 1 महीने से मैं देख रहा हूं कि तमाम पार्टियां, उनको आजकल भगवान परशुराम बहुत याद आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो भगवान परशुराम की एक बहुत बड़ी मूर्ति हर जनपद में लगवाएंगे। ये वो लोग हैं इनकी सरकार थी तो भगवान परशुराम के वंशजों की जिले जिले में उन्होंने हत्या करवाई थी, उनका अपहरण किया था, उनके गले काटे थे। मैं जिस जनपद से आता हूं, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, दर्जनों जिले में ऐसे उदाहरण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने कितनी हत्याएं ब्राह्मणों की सरकार ने की थी। मायावती जी की बात करें, मायावती जी को भी इस समय बहुत भगवान परशुराम जी का प्रेम याद आ रहा है। ये वो सरकार है जो अपने सरकार के समय नारा देती थी कि तिलक, तराजू और तलवार, इनके मारो झूले चार, ये लोग भी भगवान के साथ को याद करते हैं। साथियों, जब बसपा की सरकार थी तो SC/ST एक्ट के नाम पर जाने कितने सवर्णों को नाजायज रूप से परेशान करने का काम उन्होंने किया था। जब से हमारी सरकार बनी है तो पूरे प्रदेश में जहां एक ओर SC/ST समाज पूरी तरह सुरक्षित है, संरक्षित है, लेकिन कहीं भी SC/ST के नाम पर अन्य समाज का दुरुपयोग योगी जी ने नहीं होने दिल न पाया है, ये भी इसी सरकार में हुआ। इसके अलावा मायावती जी से एक बात और कहना चाहता हूं, मैं उस परिवार से हूं जिस परिवार ने मायावती की स्टेट गेस्ट हाउस गार्ड में जान बचाई थी। स्वर्गीय वृंदा त्रिवेदी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर मायावती की रक्षा की, लेकिन मायावती को एहसान भूल गई। बाद में उन्होंने मेरे चचेरे भाई सुनील दत्त द्विवेदी को पार्टी से अपमानित होकर बाहर निकाल दिया और मुझ पर राष्ट्रपति लगा के 9 महीने तक जेल में रखा, और बाद में मायावती ने अपने ऊपर हत्या का प्रयास करने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों से गठबंधन करके चुनाव लड़ा। ऐसे लोग कभी भी किसी अन्य समाज का भला नहीं करने वाले हैं, ये केवल गुमराह करने वाले हैं, ये बात हम लोग जानते हैं।